सब्सक्राइब कीजिए राजपूत इंजीनियर चैनल को और दबाइए इस घंटे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो वन ऐड करके नाम का ऐप्स आया है उसमें अपना चैन सिस्टम के थ्रू अपना नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क का हमें उसमें पैसा मिलता है और उसमें उस पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस फेक है और ओरिजिनल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखें। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले वन ऐड ऐप्स को ओपन करेंगे। दोस्तों मैंने इसमें ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, मैंने इसमें पहले से आईडी बना रखी, इसीलिए आपको ये डायरेक्ट ओपन हुआ दिखेगा। दोस्तों मैंने इसके वीडियो की इस जो ऐप्स की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है। तो दोस्तों मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसीलिए डायरेक्ट मेरा ओपन हो रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये मेरे नाम से पुष्पिंदर सिंह कुशवाहा के नाम से रजिस्टर्ड है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को देखिए फर्स्ट जो बैलेंस है वो 3.01 एड बैलेंस और सेकेंड जो है 22.95। ये दोस्तों मंथली इनकम एवरेज जो है वो बताता है। और दोस्तों फाइनली जो 0.00 विड्रॉल अमाउंट है जो कि मैंने अभी कोई भी विड्रॉल नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक नेटवर्क सिस्टम है, इसमें एक चैन सिस्टम चलता है कि जैसे मैंने आपको अपने नीचे जोड़ा, उसने उसको नीचे जोड़ा, उसने उसको नीचे जोड़ा, तो अपने को भी कुछ परसेंटेज उसका अर्निंग होता है। तो इस तरह से दोस्तों जितने यूजर्स इसके नीचे होंगे उतने ही आपको अर्निंग होगी। तो जैसे दोस्तों देखिए मेरे यहाँ पर अभी आपको टोटल 5 यूजर्स दिख रहे हैं जो कि एक्टिव हैं। और दोस्तों यहाँ पर मेरा नीचे रेफरल लिंक दिया हुआ है, इसको हम शेयर करेंगे और इससे अपनी अर्निंग होती है। तो चलिए मैं दोस्तों इसके जल्दी जल्दी सारे फंक्शन बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं माई नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स दिए हुए हैं एक्टिव यूजर से अर्निंग। दोस्तों फर्स्ट लेवल अपना 24 रुपीज़ अर्निंग हो जाएगी जब कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली 9th लेवल आता है जिस पे कि 2.5 लाख अपनी इनकम का ये बताता है। दोस्तों यहाँ पे डील्स का एक ऑप्शन है जहाँ पे दोस्तों हमको एड्स दिखते हैं जो कि ये एड्स से पैसा कमाता है। और दोस्तों यहाँ पे अपनी माई प्रोफाइल सेटिंग, यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल पिक्चर, बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से अपना ये प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें दिखाता हूँ, जैसे मेरा एक्टिव यहाँ पे 5 यूजर्स हैं तो मैंने रेफरल किया था तभी जाके उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया है। तो उनका मेरे को कितना अर्निंग मिला है पर कैंडिडेट, मेरे को कितना अर्निंग हुआ रेफरल पे, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा जहाँ से मेरे को अपना अर्निंग बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 करके मेरे को जो अपने रेफरल थे उनके नेम आ रहे हैं और उनका पर कैंडिडेट मेरे को कितना रुपया मिला है वो सब बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को सबसे पहले श्रीनिवास के मिलते हैं 3.99 फर्स्ट टाइम मिल गए। और दोस्तों अगर ये एक्टिव रहते हैं तो नेक्स्ट मंथ भी मेरे को 3.99। तो दोस्तों मैं जैसा कि आपको पहले ही बता रहा था कि एक चैन सिस्टम है जिसमें आपको एक बार अगर आपके नीचे आके 100 या 1000 हो जाते हैं तो आपको आगे फिर रेफरल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आपके रेफरल करते रहेंगे उनका अर्निंग आपको आता रहेगा पर मंथली। जैसे मेरे को यहाँ पर अभी 3.99 इसका मिल चुका है और 3.9 मेरे को नेक्स्ट मंथ में भी इसका मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक ज्वाइनिंग करने के सबसे पहले 3 रुपये जो लास्ट में दिख रहे हैं वो ऐप्स ज्वाइनिंग के अपन को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने 10:30 बजे 10:30 पे अपना ये ज्वाइन किया है, मैंने 11 तक अपने 5 रेफरल कंप्लीट कर लिए तो मेरे को 2292 मतलब समथिंग 23 रुपीज़ के सम अपने को मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे अपने जो एक्टिव 5 यूजर्स थे वो सब दिख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपने माई बैलेंस पे क्लिक करता हूँ कि मेरा बैलेंस कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जो बैलेंस है वो 3.0 रुपीज़ बता रहा है जो कि अभी मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ है अभी,
जो कि 1-2 दिन में रिफ्रेश होके कंप्लीट आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं 1 ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि दोस्तों यहाँ पे जो दिक्कत देखने वाली बात मिली है वो मेरे को यही मिली है कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र जो बैंक करने का ऑप्शन है, जो अपना जो अमाउंट है उसको हम रिडम करते हैं या फिर बैंक में भेजना चाहते हैं, तो उसमें ये अलग अलग से कुछ ऑप्शन एरर्स दे रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अपने देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अपना जो बैंक अमाउंट है वो आप तभी रेफ़र कर सकते हो जब आपका डेली इनकम इक्वल एक्सपेक्टेड मंथली इनकम जो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे को थोड़ा नेगेटिव, इसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो अपना बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप विद इन 1 मंथ के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको यहाँ पे एक्टिव ही रहना पड़ेगा। आप एक्टिव रहोगे और आपके कुछ परसेंट यूजर्स भी एक्टिव रहने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अपन को नेगेटिव बैंक में, यहाँ पे देखिए विड्रॉल अमाउंट पे क्लिक करने पे ये अमाउंट विड्रॉल बताता है, लेकिन अभी कुछ अमाउंट विड्रॉल हुआ नहीं है। तो दोस्तों अभी इसमें मेरे को 2 या 3 नेगेटिव पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा यूज़ करने में थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि हमारा पैसा अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुछ लिमिटेशंस बता दी हैं इसमें। ये लिमिटेशंस बता दी हैं कि आप 1 महीने के बाद ही ट्रांसफ़र कर पाओगे और आपका मिनिमम इतना रेफरल होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसका और बताता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट में जाके देखिए, यहाँ पे अपन इससे कांटेक्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अपना कोई मेल वगैरह यहाँ पे नहीं आया तो ये नहीं बता रहा। अनाउंसमेंट में दोस्तों ये जो मेरे यहाँ पे जो मेरे को अर्निंग हुई थी उन सब के यहाँ पे मेरे को नाम्स और टाइम्स और जॉइनिंग डेट के नाम से मेरे को शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जितेंद्र सिंह का 3.99 मिला है मेरे को, श्रीनिवास का 3.99, जैसा कि आपने पहले भी नोटिफिकेशन में बता दिया था। तो दोस्तों इस एप्स के बारे में मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ कि इसको आप फुल टाइम दीजिए आप, या फिर आप इसी को इसी के पीछे पड़िए या इसी से पूरा इनकम कीजिए। दोस्तों आप इसको एक काम करिए, आप इंस्टॉल कर लिए कम से कम 10 रेफरल करके छोड़ दीजिए, तब तक 1 महीने का वेट करिए। अगर 1 महीने में अगर पैसा ट्रांसफ़र होता है तो दोस्तों आप इसका फिर चैम सिस्टम अपना बढ़ा लीजिए, जैसे कि आपका चैम्प केस एकदम से, दोस्तों चैम्प केस एकदम ओरिजिनल है और वो एक बड़े लेवल पे फैल चुका है और वो फेक नहीं है। जैसा कि स्टार्टिंग में लगा था वो फेक है, लेकिन वो फेक नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को जैसे अपना बैलेंस में जाके कैश आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अपन को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल में जाके सेव कर रखा है, आप भी कर लीजिए। और वहाँ पे आप रिडम करने का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे मैक्सिमम आप जो मिनिमम रिड है वो 3 रुपये कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये देखने को भी मिल सकती है कि पर ट्रांजैक्शन रेस 2.5 बिल भी डिटेक्टेड। दोस्तों मतलब आप कुछ भी, अगर आप 10 रुपये इस बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 2.5 रुपीज़ आपको अलग से पे करने होंगे। मीन आपका अगर 10 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो 12.5 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट के लिए भी दोस्तों अभी कुछ पता नहीं कि कितना परसेंट लग रहा है, अभी इसने कुछ लिमिटेशंस भी नहीं निकाली हैं। तो दोस्तों अभी इस एप्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रह गया है कि ये एप्स आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या फिर क्योंकि दोस्तों ये अभी अगस्त में ही लॉन्च हुआ है और उसका जिसका जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है वो आज ही के दिन 30 अगस्त को ही आया है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि कोई भी एप्स लॉन्च होता है तो उसकी बहुत कम ही लिमिटेशंस होती हैं, जितना लूट सको उतना लूटा जा सकता है। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है साथ में, अगर वो फेक निकला या फिर उसमें कुछ अर्निंग नहीं हुई, अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों इसमें मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, कम से कम 10 रेफरल करके आप छोड़ दीजिए और इसको डेली एक बार ओपन कर लीजिए ताकि आप उनको लगे कि आप एक्टिव हो, या फिर डेली 1 रेफरल कंप्लीट कर लीजिए।
दोस्तों यहाँ पे ये अपना नीचे रेफरल लिंक भी दी हुई है, यहाँ पे अपना जो रेफर कोड है, तो आप रेफरल एंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर के थ्रू आपको रेफ़र करने की पूछता है, या फिर डायरेक्ट आप इंस्टॉल करते हो इसको, डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको इसमें करना होता है कि रेफरल कोड अपना जो मेन होता है वो डालना होता है।